देखिए भाई, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 2/5 और 4/9 के बीच में कौन सा फ्रैक्शन बनेगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करना है तो फ्रैक्शन का परसेंटेज बना दो। फ्रैक्शन का परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं। जैसे कि 2/5 है, 100 से गुना कर दो भाई, कितना बनेगा, 40%। ठीक है, अब आपको 40% और जो ये है 4/9, इसको बोलेंगे 44 सही 4/9, 100 से गुना करके देख लेना भाई। उसके बाद है जितने भी ऑप्शन है सबको गुना कर दो और चेक करो कौन इनके बीच में पड़ेगा। 3/7, 3/7 को अगर आप गुना करोगे तो ये 100 से 42 सही 6/7 होता है, पहला ही ऑप्शन आंसर आ रहा है। बाकी को भी चेक कर सकते हो, 2/3, 2/3 होता है 66 सही 2/3%, 4/5, 4/5 होता है 80%, 1/2 होता है 50%। तुम्हें ये बताना था कौन सा इनके बीच में पड़ेगा, इनके बीच में पड़ेगा 42 से 6/7। ठीक है, थैंक यू।